हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। यू आर वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई का क्वेच। ऑल्सो वेलकम टू स्टैंडर्ड 10th मैथ्स क्लासेस फ्रॉम नोबलवुड स्कूल। आप सब जानते हैं, प्रीवियसली हम पजल्स सोल्व कर रहे थे, इक्वेशन बना रहे थे गिवन कंडीशन के ऊपर से। अब कुछ और सम लेते हैं उसमें। एक्सरसाइज 3.2 जो है उसका क्वेश्चन नंबर 5। वैसे तो एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चंस जो हैं उसके सॉल्यूशन ग्राफ से ड्रॉ करने हैं, हम ग्राफ नहीं कर रहे हैं। मैंने आपको बताया है स्टार्टिंग में ही। सो इक्वेशन में बना दूंगा, फिर आगे का सम नहीं करना है। हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन, पेरीमीटर का हाफ, whose length is 4 meter more than its width, जिसकी length जो है वो width से 4 meter ज्यादा है, width मतलब breadth, is 36 meter, मतलब half perimeter is 36. Find the dimensions of the garden. Dimensions मतलब उसके measures, length and breadth find out करने हैं, हम दोनों को assume कर लेंगे। Let length of garden, क्वेश्चन आप अपने सामने रखना तो ये सम आएगा, अगर क्वेश्चन सामने नहीं रखोगे तो ये सम नहीं आएगा आपको। लेट लेंथ ऑफ गार्डन इज इक्वल्स टू एक्स मीटर एंड विथ, विथ या उसे ब्रेथ भी कह सकते हो, ब्रेथ ऑफ गार्डन इज वाई मीटर। अब आपको पहला रिलेशन सिंपल गिवन है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विथ, लेंथ जो है वो विथ से 4 मीटर ज्यादा है, मतलब ब्रेथ से ज्यादा है। तो मैं यहां पे लिखूंगा लेंथ इज इक्वल्स टू ब्रेथ से कितनी ज्यादा है, 4 मीटर। सो ब्रेथ प्लस 4, ब्रेथ से ज्यादा है, ब्रेथ प्लस 4। लेंथ हमने क्या एज्यूम की है, x इज इक्वल टू ब्रेथ y प्लस 4, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब आगे दूसरा, हाफ पेरीमीटर इज 36 मीटर, सेंटेंस पूरा करो तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर इज 36 मीटर। तो यहां पे मैं लिखूंगा हाफ पेरीमीटर इज इक्वल टू 36 मीटर, ये आपको पता है, क्वेश्चन में गिवन है मतलब पता है। अभी पेरीमीटर, पहले तो रेक्टेंगल की पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद दिलवा दूं, 2 इनटू लेंथ प्लस ब्रेथ, बट हाफ है, हाफ है तो डिवाइड बाय 2 करना होगा। देखिए पेरीमीटर है 2 इनटू एल प्लस बी, अब हाफ करना है तो 2 से डिवाइड कर दो, 2 2 कट तो बचेगा क्या, एल प्लस बी। सो देयरफॉर एल प्लस बी इज इक्वल्स टू 36। L लेंथ मतलब क्या है, x, प्लस ब्रेथ क्या है, y, इज इक्वल टू 36, इट इज द इक्वेशन नंबर 2। एंड सम इज ओवर, ये सम ओवर, ग्राफिकली सॉल्व करना है, ग्राफिकली हमें सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। आपको अपनी फेयर बुक में यहां तक सिर्फ इतना ही करना है, ठीक है। अब उसके बाद एक और रेक्टेंगल वाला सम है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है इससे, थोड़ा सा ट्विस्टेड है, बट फिर भी हम वो लेंगे। इसी के साथ ही एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 उसका सम नंबर 5, आपके पास सम सामने होना चाहिए। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस, रिड्यूस मतलब घटता है, 9 स्क्वायर यूनिट्स, 9 स्क्वायर यूनिट कम हो जाता है। इफ इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट्स एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट्स, लेंथ 5 यूनिट्स डिक्रीज करो, रिड्यूस का मतलब डिक्रीज, एंड ब्रेथ जो है वो 3 यूनिट इंक्रीज करो, ये पहला सेंटेंस। If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, length को 3 units and breadth को 2 units बढ़ा दे,
तो एरिया इंक्रीज बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स, एरिया 67 बढ़ जाता है। सो फाइंड द डायमेंशंस ऑफ द रेक्टेंगल। डायमेंशंस मतलब लेंथ एंड ब्रेथ फाइंड आउट करना है, तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल्स टू एक्स एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज वाई। तो अब इसके हिसाब से एरिया क्या होगा? एरिया का फॉर्मूला, रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला, यस आपको पता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। लेंथ इनटू ब्रेथ मतलब एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, ये हमारा ओरिजिनल एरिया है। अब लेंथ एंड ब्रेथ में चेंज करते हैं तो एरिया में भी चेंज होता है। ऐसे दो सेंटेंस गिवन है, उसके ऊपर से इक्वेशन बनाने हैं। पहला है, एरिया रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट इफ लेंथ इज रिड्यूस्ड बाय 5 यूनिट एंड ब्रेथ इज इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। लेंथ को 5 यूनिट डिक्रीज रिड्यूस करना है बाय गिवन कंडीशन। पहली कंडीशन जो गिवन है उसके हिसाब से हमें क्या करना है, लेंथ को रिड्यूस करना है 5 यूनिट। तो न्यू लेंथ क्या होगी, 5 यूनिट रिड्यूस करना है। ओरिजिनल लेंथ क्या है, एक्स, उसमें से 5 रिड्यूस करना है तो हो जाएगी एक्स माइनस 5। एंड न्यू ब्रेथ ब्रेथ में क्या करना है, इंक्रीज्ड बाय 3 यूनिट। ब्रेथ बढ़ानी है तो ओरिजिनल ब्रेथ है वाई, उसको बढ़ाना है तो वाई प्लस 3। तो न्यू एरिया क्या होगा इस हिसाब से, लेंथ इनटू ब्रेथ, न्यू लेंथ क्या है एक्स माइनस 5 इनटू न्यू ब्रेथ क्या है मल्टीप्लाई बाय वाई प्लस 3। क्लियर? अब न्यू एरिया और ओरिजिनल एरिया का रिलेशन गिवन है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गेट्स रिड्यूस्ड बाय 9 स्क्वायर यूनिट्स। ये जो नया एरिया जो है वो ओरिजिनल एरिया से 9 स्क्वायर यूनिट घट जाता है। सो देयरफॉर न्यू एरिया इज इक्वल्स टू एरिया माइनस 9। ओरिजिनल एरिया से कितना घट जाता है, 9। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले न्यू एरिया यहाँ पे मैं लिख दूंगा एक्स माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय वाई माइनस 3, सॉरी वाई प्लस 3 है, हाँ वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल एरिया क्या है एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई, मतलब एक्स वाई मैं सीधे लिख देता हूँ, एक्स वाई माइनस 9। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई है बाइनोमियल विथ बाइनोमियल का, तो फर्स्ट इंटू फर्स्ट, फर्स्ट इंटू सेकंड, सेकंड इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू सेकंड। तो चलिए फर्स्ट इंटू फर्स्ट क्या होगा, एक्स वाई, फर्स्ट इंटू सेकंड मतलब प्लस 3x, सेकंड इंटू फर्स्ट माइनस 5y, सेकंड इंटू सेकंड मतलब माइनस 15। अभी इन दोनों को इधर लेके आता हूँ, प्लस है कैसे, जो प्लस है माइनस होगा, माइनस है प्लस होगा, एक्स वाई प्लस है माइनस होगा, माइनस 9 प्लस होगा इज इक्वल टू 0। देखिए ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट हो गए, तो बचा क्या 3x का कोई लाइक टर्म नहीं है, माइनस 5y का भी कोई लाइक टर्म नहीं है, ये दोनों लाइक टर्म है माइनस 15 प्लस 9, माइनस प्लस माइनस आंसर में साइन बिगर टर्म की, सो ये हो जाएगा माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इट इज द इक्वेशन नंबर 1, ये पहली कंडीशन हुई। अब वापस दूसरी कंडीशन के हिसाब से, दूसरा इक्वेशन बाय गिवन कंडीशन। अब दूसरी कंडीशन क्या है वो क्वेश्चन में गिवन है, मैं वापस रीड कर रहा हूँ आगे की दूसरी कंडीशन। इफ वी इंक्रीज द लेंथ बाय 3 यूनिट्स एंड ब्रेथ बाय 2 यूनिट्स, एरिया इंक्रीजेस बाय 67 स्क्वायर यूनिट्स। लेंथ को 3 यूनिट बढ़ा दो, ब्रेथ को 2 यूनिट बढ़ा दो, तो एरिया कितना बढ़ जाता है, 67 बढ़ जाता है। सो अब न्यू लेंथ क्या होगी, लेंथ को
3 इंक्रीज करना है, सो x प्लस 3, ओरिजिनल लेंथ 3x, इंक्रीज 3 करना है, एंड ब्रेथ को कितना इंक्रीज करना है 2, सो न्यू ब्रेथ क्या होगी, y प्लस 2, सो न्यू एरिया, रेक्टेंगल का एरिया कैसे मिलता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, बट न्यू एरिया है तो न्यू लेंथ इनटू न्यू ब्रेथ, x प्लस 3 इनटू y प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय, ये मल्टीप्लाई है ठीक है, मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2। अब इन दोनों का रिलेशन, न्यू एरिया इंक्रीज्ड बाय 67 स्क्वायर यूनिट, न्यू एरिया जो है वो ओरिजिनल एरिया से 67 ज्यादा है, सो न्यू एरिया इज इक्वल्स टू एरिया प्लस 67, तो न्यू एरिया क्या है, x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय y प्लस 2 इज इक्वल्स टू, ओरिजिनल एरिया क्या है, एक्स वाई प्लस 67। अब सिंप्लीफाई करते हैं, वापस बाइनोमियल विद बाइनोमियल, फर्स्ट इनटू फर्स्ट एक्स वाई, फर्स्ट इनटू सेकंड प्लस 2x, सेकंड इनटू फर्स्ट प्लस 3y, सेकंड इनटू सेकंड प्लस 6, दोनों को साइड चेंज, माइनस एक्स वाई माइनस 67 इज इक्वल्स टू 0। अब लाइक टर्म्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट, और 2x प्लस 3y प्लस 6 माइनस 67, प्लस 6 माइनस 67 प्लस माइनस माइनस, आंसर में साइन बिगर टर्म की, 67 माइनस 6 मतलब 61 मतलब माइनस 61 इज इक्वल्स टू 0, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब ये सम जो है वो आपको होमवर्क में करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड जो है वो मैंने आपको करवा दी है प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, आप इसे सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा वो मैं बता देता हूँ आपको, x की वैल्यू 17 आएगी एंड y की वैल्यू 9 आएगी, मतलब लेंथ इज 17 एंड ब्रेथ इज 9, ठीक है। तो आगे का सम आपको होमवर्क में करना है, ये हो गए रेक्टेंगल वाले सम्स, अब हम लेने जा रहे हैं चार्ज वाले सम, चार्ज वाले मतलब सम पार्ट इज फिक्स एंड सम पार्ट इज डिपेंडेंट ऑन एनी वेरिएबल, सो ऐसे सम्स जो है इसके बाद लेते हैं, पहले आप ये लिख लीजिए फिर आगे वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए अब हम आगे वीडियो कंटिन्यू करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था अब मैं चार्जेस वाले सम जो है वो लेने जा रहा हूँ। एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज 3.3 में क्वेश्चन नंबर 3 में फोर्थ पर बाकी है, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 एंड सम नंबर 4 उसमें। देखिए क्वेश्चन क्या है आपके सामने होना चाहिए वरना आपको नहीं आया। The taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charge of for the distance covered. Taxi fare जो है city में वो दो part में distribute है, एक तो fixed charge है and दूसरा charge है distance कितना cover हुआ है उसके ऊपर dependable है, fixed charge सबको लगता है, फिर उसके बाद distance cover कितना हुआ है उसके ऊपर dependable charge है। For a distance of 10 km the charge paid is ₹105 and for a journey of 15 km the charge paid is ₹155. What are the fixed charges and the charge per kilometer? जो दो चीजें find out करनी है वही चीजें हम assume करेंगे। Let fixed charges ₹x एंड चार्ज पर किलोमीटर इज इक्वल्स टू ₹y, ठीक है, एक किलोमीटर का ₹y और फिक्स चार्ज x है वो तो लगता ही है हर एक। अब क्या कहा है,
फिर आगे क्वेश्चन में भी है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर अ ट्रैवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर कोई पर्सन 25 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो उसको कितने पेमेंट पे करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले उसके लिए आपको फिक्स्ड चार्ज एंड चार्जेस पर किलोमीटर फाइंड आउट करने पड़ेंगे, तो वो मैंने एज्यूम कर लिए है। अब सेंटेंस का यूज करता हूँ, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर For a distance of 10 km, the charge paid is ₹105. The charge paid is ₹105. तो चलिए पहले तो फिक्स चार्ज सबको लगेगा, तो फिक्स चार्ज x प्लस पर किलोमीटर y है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y। एक किलोमीटर के 5 रुपीस है, तो 10 किलोमीटर के कितने होंगे, तो आप बोलोगे 50। कैसे पता चला आपको, मल्टीप्लाई करके। तो सेम वे यहाँ पे होगा 10y = 105, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। फिर दूसरा सेंटेंस भी हमें गिवन है, वो क्या है, एंड फॉर अ जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर द चार्ज पेड इज ₹155। For a journey of 15 किलोमीटर, ये क्वेश्चन में गिवन है, मैं अपने घर से नहीं लाया। The charge paid is ₹155। तो इसका इक्वेशन कैसे बनाएंगे, फिक्स चार्ज तो x लगेगा ही सबको, प्लस 15y = 155, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें मेथड कौन सी करनी है, सब्स्टिट्यूशन इजी रहेगी, और सब्स्टिट्यूशन आपको करनी है होमवर्क में, बराबर, ठीक है। आप इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर सॉल्व कर दोगे, पहले में x को मेन करोगे तो चलेगा 105 माइनस 10y, यहाँ पे रखोगे तो 105 प्लस 5y 50y = 10 आएगा। आई थिंक मैंने कैलकुलेट कर लिया है, मैं देख लेता हूँ, यस y = 10 आएगा। y = 10 की वैल्यू यहाँ पे रखोगे तो x = आपको 5 मिलेगा, x = 5 मिलेगा एंड y = 10 मिलेगा। ये हमारे चार्ज हुए, ये फिक्स चार्ज एंड ये चार्ज पर किलोमीटर। लेकिन आगे क्वेश्चन में यही भी पूछा है, हाउ मच डज अ पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रैवलिंग अ डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। 25 किलोमीटर का अगर कोई ट्रैवल करता है तो उसको कितना पे करना पड़ेगा, तो अब मैं वो कर देता हूँ। फॉर 25 किलोमीटर, तो देखिए ये चार्जेस थे, यहाँ पे गिवन थे, लेकिन अब यहाँ पे चार्ज फाइंड आउट करना है। चार्जेस इज इक्वल टू फिक्स्ड चार्ज तो सबको लगता है x, फिर प्लस कितने किलोमीटर है 25, तो इनटू y। अब x एंड y की वैल्यू है आपके पास, x की वैल्यू 5 प्लस 25 इनटू y मतलब 10, 5 प्लस 250, तो ये हो जाएगा 255। ये हो गए चार्जेस फॉर 25 किलोमीटर, अभी सम ओवर हुआ। ये बीच वाला पोर्शन जो है वो आपको होमवर्क में करना है, सम इज ओवर। अब आगे इसके जैसे और दो सम है, एक मैं करवाता हूँ, एक आपको दूंगा होमवर्क में, ताकि पता चले। चलिए इसके बाद देखिए, ये तो एक्सरसाइज 3.3 में तो खत्म हो गए, सम सारे खत्म हो गए, कोई भी बाकी नहीं है। एक्सरसाइज 3.4 में आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 2 में, फिफ्थ वन है एक्सरसाइज 3.4, क्वेश्चन नंबर 2, उसमें सम नंबर 5 है। अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, उसमें पहले 3 दिन का चार्ज फिक्स है, एंड एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। देखिए पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, कोई भी बुक लेके जाए 3 दिन का चार्ज फिक्स, ठीक है,
तीन दिन के चार्ज सबको लगता है, फिर उसके बाद जितने एक्स्ट्रा दिन होंगे पर डे चार्ज लगेंगे, फॉर ईच डे देयर आफ्टर, ईच डे बोला है, ठीक है। सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक सी केप्ट फॉर 5 days। 7 दिन अगर कोई बुक रखता है तो 27, 5 दिन रखता है तो 21। फाइंड द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। फिक्स्ड चार्ज पहले 3 दिन का है, वो फिक्स्ड ही रहता है, उसमें ऐसा नहीं है कि 3 दिन रखो तो भी तो ही लगता है। अगर आप 1 दिन रख के वापस दे देते हो तो भी 3 दिन का चार्ज लगेगा आपको, ठीक है। फिर उसके बाद पर डे का चार्ज है, तो लेट फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू ₹X, ये पहले 3 दिन के लिए होगा, ध्यान में रखना, ठीक है, आपको क्लियर हो जाए इसलिए मैं बता रहा हूं। एंड चार्ज पर डे देर आफ्टर इज इक्वल्स टू ₹Y, ठीक है। फिर उसके बाद पर डे का ₹Y, अब कहा है सरिता पेड ₹27, सरिता पेड ₹27 फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 days, फॉर अ बुक kept for 7 days। अब 7 दिन के लिए वो बुक रखती है तो ध्यान से देखिए, पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है x, तो बाकी के कितने दिन का चार्ज लगेगा 4 days का। अब पर डे का चार्ज क्या है y, तो 4 day का चार्ज क्या होगा 4y मल्टीप्लाई, आपको पता है अभी हमने किया ऐसा ही है, सो देयरफॉर क्या होगा x प्लस, डायरेक्ट मैं 4y ले लेता हूँ, अगर किसी को समझ में ना आए तो इधर 7-3 लिखना, फिर इनटू y, फिर नेक्स्ट स्टेप में 4y करना, इज इक्वल्स टू 27, इट इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। उसके बाद सूजी, सूजी पेड ₹21 फॉर बुक kept for 5 days, उसने 5 दिन बुक रखी है, तो अभी पहले 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, तो कितने दिन का चार्ज लगेगा एक्स्ट्रा 2 days का, तो y मल्टीप्लाई बाय 2 होगा, तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 21, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब इसमें करनी है आपको एलिमिनेशन मेथड, इजी है, किसी को मल्टीप्लाई करने की जरूर नहीं है, देखिए दोनों के कोएफिशिएंट सेम है, इक्वल है, तो डायरेक्ट इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर दीजिए तो x एलिमिनेट हो जाएगा, x एलिमिनेट हो जाएगा, डायरेक्ट आपको 2y इज इक्वल्स टू 6 मतलब y इज इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा, y इज इक्वल्स टू 3 इधर रखोगे तो x इज इक्वल्स टू 15 मिल जाएगा, सम ओवर हो जाएगा, ठीक है। y एंड x का आंसर मैंने आपको बता दिया, ये कर लेना, फिर उसके बाद का जो सम है मैं ये एलिमिनेशन से ही करना है कंपलसरी। एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4, उसमें फर्स्ट वन है, अ पार्ट ऑफ मंथली होस्टल चार्ज इज फिक्स्ड एंड द रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। होस्टल चार्ज जो है वो पार्टली फिक्स है एंड बाकी का आप कितने दिन फूड लेते हो उसके ऊपर डिपेंडेबल है। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स, देखिए इसके जैसा है, जो फिक्स चार्ज है वो वहां पे रहने का है, फिर आप फूड कितने दिन का लेते हो उस हिसाब से एक्स्ट्रा फूड का चार्ज लगेगा पर डे। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 days, सी हैज टू पे ₹1000 एज हॉस्टल चार्जेस, वेयर एज स्टूडेंट बी हु टेक्स फूड फॉर 26 days पेस ₹1180 एज हॉस्टल चार्जेस। फाइंड द फिक्स्ड चार्जेस एंड द कॉस्ट ऑफ फूड पर डे। तो पहले फिक्स्ड चार्ज एज्यूम करना है, कॉस्ट ऑफ फूड पर डे एज्यूम करना है, फिर 20 डे का फूड 1000, तो x प्लस 20y इज इक्वल्स टू 1000 एंड दूसरा आप बना लेना, ठीक है। उसका मैं आंसर भी बता देता हूँ, उसको आपको सॉल्व करना है
एनी एलजिब्रिक मेथड से, कोई भी मेथड आप कर सकते हो, आपको जो अच्छी लगे, आपको जो इजी लगे वो। वैसे तो एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों इजी होंगी, आपको जो करना है वो कर लेना, मैं आपको आंसर बता देता हूँ। एक्स इज इक्वल्स टू 400 आएगा एंड वाई इज इक्वल्स टू 30 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कौन सा सम होमवर्क में है, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4, उसमें फर्स्ट वन सम जो है वो इसके जैसा ही है, ठीक है। तो वो आपको होमवर्क में करना है, वैसे ये भी सेम ही है, बट इसमें पहले 3 दिन का दिया है तो बाकी 3 डेज सबट्रैक्ट करके फाइंड आउट करना है। इसमें फिक्स चार्ज पहले कोई किलोमीटर के लिए नहीं है, नॉर्मली फिक्स चार्ज है, इसलिए ये और ये सेम है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी है तीनों एक जैसे। तो आप ये लिख लीजिए, फिर आगे हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। चलिए एक और सम, एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन नंबर 2 में फोर्थ वन क्वेश्चन आप अपने सामने रखिए। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ रुपीज 2000, उसे रुपीज 2000 विथड्रॉ करने हैं। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर रुपीज 50 एंड रुपीज 100 नोट्स ओनली, उसे 50 एंड 100 की नोट्स चाहिए, ऐसा उसने कैशियर को बोला। मीना गोट 25 नोट्स इन ऑल, टोटल उसे 25 नोट्स मिले। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ रुपीज 50 एंड रुपीज 100 सी रिसीव्ड, 100 रुपीज की एंड 50 रुपीज की उसे कितनी कितनी नोट्स मिली वो हमें एज्यूम करना है। तो फाइंड, सपोज लेट मीना गोट 50 एंड शी गोट y नोट्स ऑफ रुपीज 100। अब आपको क्वेश्चन में ही कहा है टोटल नोट्स कितनी है, टोटल नोट्स आर 25, टोटल नोट्स आर 25 ऐसा क्वेश्चन में कहा है। तो इन दोनों का सम, सो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। फिर उसके बाद अब क्या करेंगे, टोटल मनी कितना है रुपीज 2000, टोटल मनी इज इक्वल्स टू रुपीज 2000। अब मनी टोटल कैसे होगा, तो उसके लिए 100 के फॉर एग्जांपल 5 नोट है तो उसका टोटल पेमेंट कितना होगा 500। कैसे पता चला, जितने नोट्स हैं उसको उसकी करेंसी वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। देखिए यहाँ पे x नोट है और करेंसी वैल्यू 50 है तो उसे 50 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 50x। फिर 100 वाले जितने हैं उसको इसमें ऐड करना पड़ेगा प्लस 100 वाई इज इक्वल्स टू 2000, हो गया। इसमें आपको मेथड करनी है एलिमिनेशन। अब एलिमिनेशन के लिए ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, लेकिन देखिए सब में इसमें 50 कॉमन आउट होता है, तो मैं पहले कॉमन आउट करके कट कर देता हूं ताकि आपको एलिमिनेशन मेथड इजी हो जाए। सब में से 50 कॉमन आउट होता है तो कट हो जाएगा x प्लस 50 2 जा 100, तो ये हो गया 2y, 50 2 जा 100 इज इक्वल्स टू का इज इक्वल्स टू, इसको देखो 54 जा 200 एंड पीछे एक 0 40, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब आप डायरेक्ट एलिमिनेशन कर सकते हो, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 कर लो या 2 माइनस 1 करोगे तो आंसर बता दूं आपको y इज इक्वल्स टू 15 आएगा एंड x इज इक्वल्स टू 10 आएगा। आगे का सम आपको होमवर्क में करना है, ठीक है। अब एक और सम मैं आज के वीडियो में ले लेता हूँ, फिर आज का वीडियो हम ओवर करते हैं। एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 उसमें थर्ड वन, एक्सरसाइज 3.5 क्वेश्चन नंबर 4 उसमें सम नंबर 3। यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट, गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर।
यश जो है उसे 40 मार्क्स मिलते हैं, लेकिन मार्किंग सिस्टम कैसी है, राइट आंसर के 3 मार्क्स है, रॉन्ग आंसर का 1 कट होता है, ठीक है। हैड 4 मार्क्स बीन अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स बीन डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अगर उसे 4 मार्क राइट के लिए मिलते और 2 मार्क इनकरेक्ट के लिए मिलते तो उसके 50 मार्क्स हो जाते हैं। हाउ मेनी क्वेश्चन वेर देर इन दी टेस्ट, टेस्ट में टोटल क्वेश्चन कितने थे। अब सबसे पहली चीज तो वैसे तो दो चीजें फाइंड आउट करनी होती है, यहाँ पे एक ही चीज है, लेकिन टोटल क्वेश्चन होंगे उसमें से राइट क्वेश्चन एंड रॉन्ग क्वेश्चन दोनों को मिलाओगे तब टोटल क्वेश्चन बनेंगे। यहाँ पे सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ऐसा मान लेना है, ब्लैंक नहीं छोड़ना है कोई भी। तो लेफ्ट राइट आंसर्स, राइट आंसर्स आर एक्स एंड रॉन्ग आंसर्स आर वाई। राइट आंसर्स को मैंने एक्स एज्यूम कर लिया, रॉन्ग आंसर्स राइट आंसर्स कितने हैं एक्स, रॉन्ग आंसर्स कितने हैं वाई। अब उसे पहला सेंटेंस का यूज करते हैं, यश स्कोर्ड 40 मार्क्स इफ इफ ही गॉट 3 मार्क्स फॉर ईच करेक्ट आंसर, फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड लूजिंग 1 मार्क फॉर ईच रॉन्ग आंसर। तो चलिए राइट आंसर के 3 मार्क्स, तो राइट आंसर्स कितने हुए एक्स। तो मैं आपको पूछता हूं अगर आपके 5 आंसर सही है हर एक के 3 मार्क्स तो टोटल मार्क्स कितने होंगे, तो आप इजीली बोलोगे सर 15। कैसे पता चला, मल्टीप्लाई करके पर क्वेश्चन के मार्क्स जितने हैं इतने और उसमें से जितने राइट हुए हैं वो। तो यहाँ पर क्वेश्चन के 3 मार्क्स और राइट कितने हुए हैं एक्स, तो ये हो गया 3x। अब लूजिंग वाले हैं वो सब्ट्रैक्ट करने पड़ेंगे वाई, लेकिन हर एक का कितना है 1 मार्क, 1 इंटू वाई मतलब वाई होता है, तो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 40, इट इज द इक्वेशन नंबर 1। फिर बाय गिवन कंडीशन, अब मैं पूरा सेंटेंस नहीं लिख रहा हूं, क्वेश्चन में है आपको इसलिए क्योंकि बहुत बड़ा है, सिर्फ बाय गिवन कंडीशन लिख दो तो चलता है, वो तो मैं इसलिए लिखता हूं ताकि आपको ये रीड करके समझ में आए। बाय गिवन कंडीशन क्या है, 4 मार्क्स अवार्डेड फॉर ईच करेक्ट आंसर एंड 2 मार्क्स डिडक्टेड फॉर ईच इनकरेक्ट आंसर, देन यश वुड हैव स्कोर्ड 50 मार्क्स। अगर 4 सही के लिए मिले और 2 रॉन्ग के लिए मिले तो टोटल मार्क्स 50 हो जाएंगे। तो चलिए उसे कैसे लिखेंगे, 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 50। इसमें कोई भी मेथड आप कर सकते हो, लेकिन मैं एक काम करता हूँ इसमें से 2 कॉमन आउट करके कट कर देता हूँ ताकि आपको एलिमिनेशन मेथड इजी हो जाए। तो 2 सब में से कॉमन आउट होगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 25, इट इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब ये सम आगे आप कर लेना, मैं आपको बता देता हूँ, x की वैल्यू 15 मिलेगी, y की वैल्यू 5 मिलेगी, लेकिन सम वहां पे ओवर नहीं होगा। क्वेश्चन में ऐसा पूछा है हाउ मेनी क्वेश्चन वेर देर इन दी टेस्ट, तो टोटल क्वेश्चन के लिए उन दोनों का सम करना पड़ेगा, सो आंसर आएगा। लास्ट में इतना लिखना है, टोटल क्वेश्चन is equals to 15 plus 5 is equals to 20, sum is over, ठीक है। तो आज के वीडियो में हम इतना ही रखते हैं, अभी हमारे थोड़े बहुत सम बाकी हैं, 1 plus 3 4 एंड 1 5, 4-5 सम बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में ले लेंगे ताकि हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए। डाउट लगे तो कॉन्टेक्ट नंबर पे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, डाउट सॉल्विंग के लिए आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा किसी भी तरह से, वो एडजस्टमेंट मैं कर दूंगा, आप उसका टेंशन मत लेना। आज के लिए इतना ही, गुड बाय, जय हिंद।